नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी। धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं पंचांग पर। सोमवार 29 जुलाई 2024, शुभ विक्रम संवत 2081, संवत्सर का नाम कालयुक्त, शाक्य संवत 1946, हिजरी संवत 1446। मुस्लिम मास मुहर्रम की 22 तारीख, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष कृष्ण। बताते हैं आपको आज कौन सी तिथि है और पंचांग के मुताबिक यह आपके लिए क्या फलदायी है। शुभ तिथि नवमी रिक्ता संख्यक तिथि शाम 5:56 तक, तदंतर दशमी पूर्ण संख्यक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवमी तिथि में विग्रह कलह जुआ मद आखेट व अग्नि विषादिक असद कार्य सिद्ध होते हैं, शुभ कार्य वर्जित हैं, पर दशमी तिथि में समस्त शुभ व मांगलिक कार्य शुभ कहे गए हैं। जानिए पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है, ये क्या फलदायी हो सकते हैं। नक्षत्र भरणी उग्र व अधोमुख संज्ञक नक्षत्र, पूर्वाहन 10:55 तक, तदंतर कृतिका मिश्र व अधोमुख संज्ञक नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में साहस कुआ बावड़ी आदि बनवाना व कृतिका नक्षत्र में सभा साहस व सकाई आदि के कार्य सिद्ध होते हैं, शुभ कार्य आदि वर्जित हैं। पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है, ये भी आपको बताते हैं। योग गंड नामक नैसर्गिक अशुभ योग शाम 5:05 तक, तदंतर वृद्धि नामक नैसर्गिक शुभ योग है। गंड नामक योग प्रथम 6 घटी शुभ कार्यों में त्याज्य है। करण तेतिल नामकरण प्रातः 6:42 तक, तदंतर गर्भ वाणिज्यादिक करण प्रातः सूर्योदय पूर्व 5:20 तक, इसके बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। नजर आज के व्रतोत्सव त्योहार और विशेष आयोजनों पर भी डाल लेते हैं। व्रतोत्सव आज दूसरा श्रावण वन सोमवार व्रत व गुरु हरकिशन जयंती प्राचीन मत से है। और अब जानिए ज्योतिषियों के मुताबिक पंचांग में चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है, राहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिए। चंद्रमा शाम 4:45 तक मेष राशि में व इसके बाद वृष राशि में होगा। दिशाशूल सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है। चंद्रमा शाम 4:45 तक पूर्व दिशा की यात्रा में सम्मुख होगा। इसके बाद वृष राशि के चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा की यात्रा में सम्मुख रहेगा। यात्रा में सम्मुख चंद्रमा को लाभदायक माना गया है। राहुकाल मध्यमान से प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक राहुकाल बेला में शुभ कार्य आरंभ यथासंभव वर्जित रखना हितकर है। आइए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर और जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और श्रेष्ठ चौघड़िये के बारे में। शुभ मुहूर्त उपर्युक्त शुभ अशुभ समय तिथि वार नक्षत्र व योग अनुसार आज कृतिका नक्षत्र में यथा आवश्यक सगाई व रोका आदि के शुभ मुहूर्त है। श्रेष्ठ चौघड़िये आज सूर्योदय से प्रातः 7:33 तक अमृत, प्रातः 9:13 से प्रातः 10:53 तक शुभ, तथा दोपहर बाद 2:13 से सूर्यास्त तक क्रमशः चरण लाभ व अमृत के श्रेष्ठ चौघड़िये हैं, एवं दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे तक अभिजीत नामक श्रेष्ठ मुहूर्त है, जो आवश्यक शुभ कार्य आरंभ के लिए अत्युत्तम है। और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है ज्योतिषानुसार उन बच्चों की राशि क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है। आज जन्म लेने वाले बच्चे के नाम लो अ ई ऊ ए आदि अक्षरों पर रखे जा सकते हैं। शाम 4:45 तक जन्मे जातकों की जन्म राशि मेष व इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशि वृष है। मेष राशि के स्वामी मंगल व वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। इनका जन्म स्वर्णपात से है। सामान्यतः ये जातक सत्यप्रिय, दीर्घायु, सुमार्गी, माता पिता की सेवा करने वाले, आशावादी, चालाक व वाचाल होते हैं। इनका भाग्योदय लगभग 28 वर्ष की आयु तक होता है। मेष राशि वाले लोगों के उच्च प्रतिष्ठित जनों से मेलजोल होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चौघड़िये आदि के बारे में जाना आपने। उल्लेखनीय है कि ग्रह नक्षत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।